यस माई डियर स्टूडेंट्स टूडेस वर्कशीट टू ऑफ यूनिट इलेवन अंडरस्टैंडिंग वर्कशीट टू विस ट्रिपीजियम एंड पैरलोग्राम वट इज ट्रिपीजियम आई थिंक दिस इज अव वर्ड फॉर यू यस ट्रिपीजियम क्या है एक क्वेटरीटल होता है ट्रिपीजियम इन विच वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरल एक पेयर पैरल लाइंस का बनाया मैंने एल एंड एम एल पर टू पॉइंट्स लगा लिए और एम पर भी टू पॉइंट्स लगा लिए ए डी बी एंड सी देन ज्वाइन तो जो ये फिगर बनी है दिस फिगर इज़ कार्ड ट्रेपेजियम मीन्स जो अदर टू साइड्स हैं उनका पैरल होना कोई ज़रूरी नहीं है एक पेयर पैरल होना चाहिए तो ये ट्रेपीजियम की डेफिनेशन होती है नेक्स्ट इज पैरलोग्राम वट इज पैरलोग्राम इक्वेटिलिटर ये भी है इन विच बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर पैरल जिनके अंदर दोनों ही पेयर पैरल पेर हो जैसे एक पेयर मैंने बनाया एल इज पैरल ये पैरल बनाया इसी तरह पी और क्यू भी मैंने पैरल बनाया जो पहले वालों को इंटरसेक्ट करती हैं बच्चों पैरल लाइन्स आपको पहले से ही पता है द लाइन्स विच डोंट इंटरसेक्ट ईच अदर एंड द डिस्टेंस बिटवीन पैरल लाइन्स इज ऑलवेज इक्वल ये बेसिक पिछली क्लासेस में आप करके आ चुके हैं तो अगर दोनों ही पेर पेयर पैरेलल हैं जिस क्वेडीलेटल के अपोजिट साइड्स के दोनों पेयर पैरेलल हैं वो होता है पैरेललोग्राम और एक पेयर पैरल हो वो होता है ट्रेपीजियम ये इन दोनों का डिफरेंस है अब जो पैरेललोग्राम है उसको हम ट्रेपीजियम भी कह सकते हैं क्योंकि ट्रेपीजियम की ये एक बात है कि एक पेयर पैरेलल होना चाहिए तो इसमें भी एक पेयर पैरेलल है लेकिन इस ट्रेपेजियम को हम कभी भी पैरलोग्राम नहीं कह सकते क्योंकि पैरलोग्राम के लिए दोनों ही पेयर अपोजिट साइड्स के दोनों पेयर पैरल होने जरूरी हैं तो ये बात याद रखनी है कि पैरलोग्राम इज ए ट्रिपीजियम बट ए ट्रिपीजियम नीड नॉट बी ए पैरलोग्राम हो सकता है कभी लेकिन हर बार ज़रूरी नहीं है अब प्रॉपर्टीज़ क्या है पैरलोग्राम की ये दिस इज द सिंबल ऑफ पैरलोग्राम दो बड़ी बड़ी लाइनें ऐसे लंबी सी खींच के जी हम लिख दो तो ये इसका

सारों को बाद में बाय एक्टिविटी जो है वो हम प्रूव करेंगे कि opposite होती है, opposite होते है, करते हैं, हैं, हैं हैं होते करते तो ये activity के थ्रू हम हम इसको अच्छे से discuss और करेंगे। अब हम आते वर्कशीट टू में क्या सम है वक्षित टू में? पहला समय पी क्यू आर एस इज ए ट्रिपीजियम विद्यूज टू एस आर कि पी क्यू आर एस एक ट्रिपीजियम है जिसमें पी क्यू और एस आर पैरल है मीन्स ये नीचे वाली साइड और ऊपर वाली साइड दोनों पैरेलल हैं एंगल पी और क्यू दिया हुआ है आर और एस निकालना है बच्चों जो ये पैरेलल साइड्स हैं जैसे पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर है तो जो पी एस है ये ट्रांसवर्सल का काम करेगा एंड जो आर क्यू है ये भी ट्रांसवर्सल का काम करेगा तो एंगल पी और एंगल एस इन दोनों का सम जो है वो 180 होगा सम ऑफ द एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल भी कहते हैं या फिर इसका दूसरा नाम को इंटीरियर एंगल्स भी होता है कि अगर टू पैरल साइड्स हैं उनको ट्रांसवर्सल काट रहा है तो अंदर वाले दोनों को मीन्स लगातार दोनों लगातार जो एंगल्स हैं पैरल साइड्स ट्रांसवर्सल के एक ही साइड पर बने एंगल्स को को इंटीरियर एंगल्स कहते हैं तो इसका मतलब एंगल पी और एंगल एस दोनों का सम वन ए होगा तो एक वन है दूसरा निकल जाएगा सेम हेयर एंगल क्यू प्लस एंगल आर वन ए होगा तो एंगल क्यू दिया हुआ है तो आर निकल जाएगा उसके बाद है, आपको एंगल्स दे दिए सेकंड में ए बी सी डी से क्वाड्रिलेटरल विद ए बी सी एंड डी दीज आर द मेजरमेंट्स ऑफ ऑल द फोर एंगल्स इज ए बी सी डी ए ट्रेपेजियम इज ए बी सी डी ए पैरेललोग्राम वो कहता है बताओ ये ट्रेपेजियम होगा या पैरेललोग्राम होगा तो हम क्या करते हैं इसको देखते हैं अभी क्या होगा लेट अस सी हम देखते हैं पहले मैंने एक रफ सी फिगर बना दी ये नहीं है कि जरूरी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग बनाई है मैंने एक रफ स्केच बना दो ए बी सी डी और उनके मेजरमेंट्स लिख दो अब मैंने क्या किया कि ए और डी का सम करके देखा ये एंगल्स हैं। ए इन दोनों का सम इसी तरह मैंने इसको और को भी देखा, तो ये भी 180 है। तो अगर इन दोनों का सम 180 है, इन दोनों का 180 है तो A, उसके बाद मैंने इसको और इसको करके देखा तो वन ट्वेंटी आया इसको और इसको करके देखा तो टू फोर्टी आया यहां हम कहेंगे कि ए डी जो है वो बी सी के पैरल नहीं है अब एक ही पेयर पैरल हो रहा है जब एक पेयर पैरल हो तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन दिस इज कॉल्ड ट्रेपीजियम क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री वन ऑफ द एंगल्स ऑफ द पैरलोग्राम इज सेवेंटी फाइव डिग्री एक पैरलोग्राम बनाना है सेवेंटी डिग्री उसका एक एंगल है फाइंड द मेजर ऑफ द रिमेनिंग एंगल्स अदर एंगल्स निकालने हैं लेट हम अपनी मर्जी से नाम दे देते हैं ए बी सी डी ट्रिप ले लेते हैं और जिसका एक एंगल हमने शो करना है नाउ वी हैव टू फाइंड एंगल B, एंगल बी सी तो दिस अगर ये और ये पैरेलल है तो एन उनका ट्रांसवर्सल है Then, एंगल एंगल 180, को एंगल्स, दिया तो बी हमारे पास निकल गया ठीक है ए के साथ दूसरा निकल गया अब सीधी आइडेंट प्रॉपर्टी लगाओ वी नो अपोजिट एंगल्स ऑफ द आर ऑलवेज इक्वल तो देर अगर ए पता है तो सी भी निकल जाएगा उतना ही और बी पता है तो डी भी निकल जाएगा उतना ही उसके बाद है क्वेश्चन नंबर फोर वही चीज है इसमें भी लेट ए बी सी डी बी ए पैरलोग्राम रेशियो ऑफ इट्स एट टू एडज एंगल्स एंगल्स की डेफिनेशन आपको पहले इंट्रोडक्शन पार्ट में समझा दी थी इज वन रेशियो फाइव गिवन वन रेशियो फाइव दी हुई है तो हमने क्या करना है ए बी सी डी के दो एंगल जो एडजेंट हैं मैंने उनको एंगल ए और एंगल बी ले लिया कि एक ही लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट्स पर जो एंगल बनेंगे वो एडजस्टेंट एंगल होते हैं तो वन रेशियो फाइव दिया हुआ है तो मैंने एंगल ए को वन एक्स लेट कर लिया और एंगल बी को फाइव एक्स लेट कर लिया अब हमें पता है कि पैरेलल हैं तो इन दोनों के एंगल्स का साम वन एटी होगा एक्स निकल गया एक्स निकल गया तो ए निकल गया और बी निकल गया उसके बाद फिर वही वो नो अपोजिट तो और सी इक्वल हो जाएंगे बी और इक्वल हो जाएंगे तो पैरलोग्राम की एक साइड को एक्सटेंड कर देना है अगर मैं इधर एक्सटेंड करती तो मेरा यहाँ पर एक्यूट एंगल बनता मुझे 110 बनाना है obtuse, तो ओब्ट एंगल उसकी शक्ल भी ऐसी ही शो करनी है आपने जो एंगल को शो करता हो अगर इधर बनाते तो जैसे डिग्री दिया वो होता तो तो मैं इसको एक्सटेंड करती, तो ये आपने फिगर बनाते हुए ध्यान देना है। निकालने है, तो मैं यहाँ पर एंगल वन लेट करती हूँ वन हंड्रेड टेन और एंगल वन इन दोनों का सम वन एटी होगा लीनियर पेयर ये आप पहले पढ़ चुके हैं 7th तो एंगल वन निकल जाएगा वन का मतलब है एंगल ए निकल गया अब एक एंगल आपको पता लग गया आगे क्वेश्चन नंबर वन बन गया कि बी प्लस ए प्लस बी वन एटी हो गया आपको इंटीरियर तो बी निकल गया ए भी निकल गया बी भी, भी, भी तो अपोजिट एंगल्स इक्वल है सो ए और सी बी एंड डी दिस इज द प्रूफ ऑफ क्वेश्चन नंबर फिफ्थ सो थैंक यू हैव ए नाइस डे